हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रेंडशिप डे के लिए क्यूट क्यूट 5 आइडियाज़, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हमको A4 साइज़ की शीट लेनी है, देन 1 सेंटीमीटर का हमको उसको फोल्ड कर देना है, फिर से हमको उसको फोल्ड कर देना है, देन अगेन हमको फोल्ड कर देना है। मीन्स हमको 3 टाइम इसको फोल्ड करना है, देन अगेन हमको दोनों साइड से फिर से फोल्ड कर देना है। मैं भी क्या ये फोल्डिंग खेल रही हूँ। चलो कंटिन्यू। ये सब फोल्ड हो जाने के बाद हमको इनके दोनों कॉर्नर साइड से कट कर देना है। फ्रेंडशिप डे में अगर चॉकलेट्स ऐड नहीं होंगे तो फ्रेंडशिप डे इनकम्प्लीट रह जाएगा, इसलिए हम ये रेडी कर रहे हैं चॉकलेट बॉक्स। मुझे ना चॉकलेट्स बहुत कम पसंद है, आप लोगों को अगर चॉकलेट पसंद है और जिसको नहीं पसंद है चलो कमेंट करके बता दो। ये 1 सेंटीमीटर का जो हमने फोल्ड किया था उसे हम ग्लू से स्टिक कर लेंगे। फिर ये कम्प्लीट स्टिक हो जाने के बाद हम इसको ओपन करेंगे, ये बॉक्स टाइप का रेडी हो गया। देन ये दोनों साइड से जो ओपन एरिया है हम उसको सॉटन रिबन से नॉट करेंगे। फिलहाल हम फर्स्ट साइड से ही नॉट करेंगे, बिकॉज सेकेंड साइड से हमको कुछ चॉकलेट मैसेज सब ऐड करने हैं। ये मेरे पास चॉकलेट्स थे, मैं बच्चों के लिए एनी टाइम अपने पास चॉकलेट्स रेडी रखती हूँ। देन मैंने ये कुछ मैसेज ऐड किए हैं, आप भी अपने अकॉर्डिंग कोई भी मैसेज डाल सकते हैं अपनी बेस्टी के लिए। सब कंप्लीट हो जाने के बाद हम इस ओपन एरिया को भी सॉटन रिबन से नॉट कर देंगे। ये क्यूट क्यूट सा हमारा बन के हो गया रेडी। बट इसमें अगर हमने कुछ स्टिकर मैसेज ऐड नहीं किया तो ये इनकम्प्लीट रहेगा। तो मैंने इसमें स्टिकर कुछ डेकोरेशन के लिए फ्लावर्स ऐड किए। ये हमारा रेडी। अब हमारा सेकेंड आइडिया, सबसे पहले हम लेंगे फोम शीट, देन हम उसे राउंड करके कट कर लेंगे। हम बना रहे हैं फ्रेंडशिप बैंड, तो हम इसमें लिखेंगे बेस्टी, आप जो भी ऐड करना चाहें, नेम, BFF, जो भी ऐड करना चाहें वो ऐड करके मैंने इसमें पिंक कलर की पेन से छोटे छोटे हार्ट बना दिए। देन दोनों साइड से कट करके मैंने सॉटन रिबन को अंदर से पास कर दिया। मुझे जब ये आइडिया आया तो बनाने से पहले मैंने सोचा था ये कैसा लगेगा, बट बनने के बाद एक्चुअल में ये बहुत ही क्यूट लग रहा था। ऐसा लग रहा था फ्रेंडशिप बैंड हो तो ऐसा। और हैंडमेड चीज़ों की तो बात ही अलग है, खुद से बनाया हो, ओ माय गॉड, फीलिंग्स ऐड हो जाती हैं। अब ये हमारा बनके हो गया रेडी, कमेंट करके ज़रूर बताना। देन हमारा थर्ड आइडिया, सबसे पहले हमने लिया एक वाइट कलर का पेपर, प्लेन पेपर, उसके ऊपर मैंने एक स्टिकर ऐड किया, मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो ऐड किया। आप अपने फ्रेंड्स को पिक भी ऐड कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को अगर कुछ मैसेज देना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। देन ये खाली टेप का जो हमारा राउंड बचता है ना, मैंने ग्लू से स्टिक करके हमारा जो साइड का वाइट पेपर था उसे बढ़िया से कट कर दिया। देन मैंने अंदर से, मेरे पास पिंक कलर का प्रिंटेड टेप अवेलेबल था तो मैंने उस टेप से ग्लू से अच्छे से स्टिक कर लिया। आपके पास अगर प्रिंटेड पेपर अवेलेबल है तो आप कोई भी पेपर जो भी आपके पास है उससे कवर कर सकते हैं। मैंने ऊपर साइड से एरिया भी जो एक्स्ट्रा बचा हुआ था उसे कट कर कर भी ग्लू से स्टिक कर लिया। देन हम इसमें ऐड करेंगे लाइटिंग। मुझे ना लाइटिंग बहुत पसंद है, मुझे लगता है मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं ना सब में लाइटिंग ऐड होनी चाहिए। तो मेरे पास ये छोटी सी लाइट अवेलेबल थी, अगर आपको चाहिए तो मुझे टेक्स्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे ऑर्डर हो जाएगी। देन आप इसे ना कोई भी शेप में बना सकते हैं, लव हार्ट, तो मैंने इसे राउंड शेप में बनाया है, फिर अंदर से ऐड कर दिया मैंने। देन मैंने ये 4 शेकर्स यूज़ किए हैं इसमें, मुझे ना ये शेकर्स भी बहुत पसंद है। लाइटिंग में अलग से ये हाईलाइट होते हैं ना, शेक करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देन हम क्या करेंगे, इसमें ट्रांसपेरेंट शीट ग्लू से स्टिक करके कट कर देंगे। और ये साइड से जो एरिया था, ओपन एरिया, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था तो इसे भी मैंने पिंक टेप से कवर कर दिया। देन ग्लिटर शीट को इसके अकॉर्डिंग मार्क करके अच्छे से कट कर लिया और ऊपर से हमने इसको स्टिक कर लिया। ये भी ग्लिटर शीट मेरी फेवरेट है, थोड़ी सी ये शाइन करती है, मुझे बहुत पसंद है। देन ये ऊपर से थोड़ा सा ना खाली खाली लग रहा था तो मुझे लगा कुछ यहाँ पे ऐड करना चाहिए, तो मैंने बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर यहाँ पे ऐड किया, बिकॉज ये फ्रेंडशिप डे के लिए बन रहा है। मैंने इसे वाइट पेपर में राइट करके इसे कट करके ग्लू से ऊपर से स्टिक कर लिया। और डेकोरेशन के लिए मैंने 2 पिंक हार्ट भी ऐड किए जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा था। देन इसके पीछे हमको ऐड करना था मैग्नेट, बिकॉज ये फ्रिज मैग्नेट बन रहा है तो मैंने इसके पीछे ये मैग्नेट ऐड किया जो कि मुझे लोकल शॉप में अवेलेबल हो गया था। देन हमने ये लाइटिंग भी डबल टेक फेविकोल जिससे भी ऐड करनी थी वो ऐड करके, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो मैग्नेट है ना वो लाइटिंग के नीचे नहीं होना चाहिए, वरना ये अच्छे से स्टिक नहीं होगा हमारी फ्रिज में। और मुझे जैसा कवर करना था अच्छे से मैंने इसको कवर कर लिया। ये हमारा बनके हो गया रेडी। अब हम इसे फ्रिज में ऐड करके भी देखते हैं।
कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। अब हम आते हैं अपने फोर्थ आइडिया में। हमारा फोर्थ आइडिया है की चेन। सबसे पहले हम ग्लिटर शीट लेंगे, मैंने पिंक कलर की ली है, आप कोई भी कलर की ले सकते हैं। मैंने इसमें BFF कट किया है, आप जो लिखना चाहें वो कट कर सकते हैं। सेकंड साइड से भी मैंने स्टिक करके उसकी साइड भी ग्लिटर शीट ऐड कर दी। देन इसमें होल करके मेरे पास ये क्यूट सा की चेन था तो मैंने वो ऐड कर दिया। ये हमारा बन के हो गया रेडी। ये आप लास्ट मिनट में भी बना सकते हैं, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना ना कैसा लगा। अब हम आते हैं अपने फिफ्थ आइडिया में। हमारा फिफ्थ आइडिया है कार्ड, क्यूट सा कार्ड। हमने सब कुछ तो ऐड कर दिया बट अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए कार्ड नहीं बनाया, तो हम बनाएंगे ये पज़ल कार्ड। उसके लिए हम सबसे पहले 12x24 सेंटीमीटर की शीट लेंगे, उसे सेंटर से फोल्ड करने के बाद हम ये फोर शीट 6x12 सेंटीमीटर की लेंगे। देन 1x1 हम इसको स्टिक कर देंगे। ऐसे ही नहीं स्टिक करना है, ये हमको अच्छे से ध्यान देकर स्टिक करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट जो है वो हमको राइट साइड से ओपन होना चाहिए, देन हम जो सेकंड पार्ट ऐड करेंगे वो ऊपर साइड से ओपन होना चाहिए। हमको ये काफ़ी ध्यान से स्टिक करना है, थोड़ा भी अगर इधर उधर हो गया तो हमारा कार्ड अच्छे से नहीं बनेगा। अब ये थर्ड पार्ट हमको लेफ्ट साइड से ओपन होना चाहिए। अब हमारा ये फोर्थ पार्ट जो है वो नीचे साइड से ओपन होना चाहिए। ये कंप्लीट स्टिक हो जाने के बाद आप इसको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिएगा। देन मेरे पास ये स्टिकर था, आपके पास अगर कोई पिक भी अवेलेबल होगी तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ से ये हमारा कट एरिया था वहाँ पे हमको मार्क करके इसको अच्छे से कट कर लेना है। हमको इसको कट भी अच्छे से ध्यान से करना है, बिकॉज अगर ये थोड़ा भी इधर उधर कट हो गया तो हमारा जो पज़ल है वो अच्छे से रेडी नहीं हो पाएगा। ये कट होने के बाद ये जैसा स्टिकर था हमको वैसा इसके ऊपर 1x1 स्टिक कर लेना है। और ये भी ध्यान से करना है, बिकॉज मैंने कहा था ना जैसा अगर इधर उधर हो गया तो हमारा पज़ल अच्छे से रेडी नहीं होगा और फिनिशिंग नहीं आएगी, तो ये पज़ल जैसा नहीं लगेगा। पहले से मैंने थोड़ी फिनिशिंग देने के लिए ब्लैक मार्कर से अच्छे से एक आउटलाइन कर दी। जब तक मैं ये आउटलाइन कर रही हूँ तब तक आप अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम कमेंट करके बता दो और उनको टैग करना भी मत भूलना। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। अब हमारा ये ओपन होगा सेकेंड पार्ट, मीन्स हम इसको अंदर से फोल्ड करके ये सेकेंड पार्ट जो पज़ल का है वो ओपन करेंगे। और यहाँ पे भी हम पिक या मैसेज जो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ये बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर वाला स्टिकर अवेलेबल था तो मैंने इसे सेंटर से कट करके इन तीनों को अच्छे से स्टिक कर दिया। हम इसमें कुछ फ्लावर्स या हैवी चीज़ें ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज ये फोल्ड होने में इसमें दिक्कत जाएगी, तो आप जितना भी हो सके इसे फ्लैट रखने की कोशिश करें। और थोड़ा सा मुझे डेकोरेशन के लिए लग रहा था तो मैंने एक येलो कलर का फ्लावर ऐड किया, देन कुछ स्टार्स ऐड कर दिए इसमें। और यहाँ पे मैं कुछ मैसेज ऐड कर दूंगी। देन फ्रंट साइड से मैंने, मेरे पास ये ब्लू कलर का टेप था तो मैंने वो स्टिक करके ऊपर से BFF वाला स्टिकर ऐड कर दिया। बहुत ही ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन लग रहा था। ये हमारा बन के हो गया रेडी। ये हमारा हो गया पज़ल कार्ड। तो हमारे टोटल कितने आइडियाज़ हुए? 5 आइडियाज़। फर्स्ट वन ये ब्यूटीफुल सा हमारा चॉकलेट बॉक्स, सेकंड वन हमारा ये लीड वाला फ्रिज मैग्नेट, थर्ड वन हमारा ब्यूटीफुल सा की चेन, फोर्थ वन हमारा फ्रेंडशिप बैंड जिसके बिना फ्रेंडशिप डे इनकम्प्लीट है, और फिफ्थ वन हमारा क्यूट सा पज़ल कार्ड। यार कितने क्यूट लग रहे हैं ये सब। अगर आपको भी पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियोज़ बनाने में। आपके फ्रेंडशिप डे के लिए यहाँ पे सारे आइडियाज़ अवेलेबल हैं। आपको कार्ड देना है तो कार्ड अवेलेबल है, गिफ्ट के लिए की चेन, बैंड एंड चॉकलेट्स। आज के लिए फिर इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय, टेक केयर।